सरकार गलत कर रही है, सरकार आपके वादों पे खरी नहीं उतरी, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुर्घटना घट गई, कहीं लाठी चार्ज हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, मगर ये सारी बातें आप तक पहुंचती है उसे आप मीडिया कहते हैं, और यही मीडिया है जो आपकी बात सरकार तक पहुंचाती है। तो आज उन खबर वालों की खबर आज तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं भूमकाल समाचार में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं भूमकाल समाचार। साथियों, मैं कमल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं भूमकाल समाचार में, और आज मैं बताना चाहता हूं जिस मीडिया को आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझते हैं, वास्तव में हमारे देश में स्थिति क्या है, हमारे प्रदेश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में अब क्या स्थिति हो रही है। आज पूरे देश में जो मीडिया की स्थिति है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से आपके पास पहुंचता है कि एक जो है कॉर्पोरेट घरानों के कब्जे में आ गया है। देश की बात तो अभी मैं करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर मैं बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं और छत्तीसगढ़ में मैं पत्रकारिता करता हूं। तो आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह खून बह रहा है, हसदेव में पेड़ काटे जा रहे हैं, बस्तर में मुठभेड़ के नाम से आदिवासियों की हत्याएं की जा रही है, और ऐसे समय में जब पत्रकारों को भूमिका निभानी चाहिए और आपके पास सच पहुंचाना चाहिए, तो यहां से बड़े बड़े पत्रकारों का दल, बड़े बड़े पत्रकारों का समूह, संपादक, रिपोर्टर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े कर्मी, जिन्हें आप पत्रकार समझते हैं, जिन्हें मीडिया का चौथा स्तंभ समझते हैं, वो उस अडानी के निमंत्रण पर, उस अडानी की व्यवस्था पर गुजरात घूमने जाते हैं। उस समय जब सूरजपुर में सामूहिक रूप से पूरे एक सिपाही के परिवार को खत्म कर दिया जाता है, जब बलरामपुर में हवालात में पुलिस वाले की गलती से या तो आत्महत्या होता है या हत्या होती है, अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर इसका विरोध करने के लिए भी जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पे आप भरोसा जताते हैं, वो भी उसके भी भूमिका हम ही बता सकते हैं आपको कि वो क्या कर रही है। मगर इन सब बातों को बताने के बजाय हमारे ही पत्रकार साथी उसी अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के पैसे पर एस करने जा रहे हैं, जिनकी सेवा 5 स्टार होटलों में हो रही है, जिनको बड़े बड़े गिफ्ट किए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में पत्रकारिता की क्या स्थिति है। पत्रकारों को खरीदने की, पत्रकारों को प्रलोभन देने की तमाम कोशिशें हो रही है, और जहां जहां ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे बस्तर में हवाई हमले भी हो रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि देश के नागरिकों के संघर्ष पे सेना का हमला नहीं होता, सेना का कोई रोल नहीं होता। कल परसों दीपक वैद्य से जब कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, विपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरी बात हो रही तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि सेना बस्तर में घुस गई है, जो कि गलत है उन्होंने माना। मगर वो एक कांग्रेस की भी जवाबदारी बनती है भी कि बस्तर में जो मुठभेड़ के नाम से हवाई हमले और सेना का प्रयोग जो हो रहा है, और मुठभेड़ के नाम से जो निर्दोष लोगों की भी हत्या हो रही है, साथ में कुछ सही मुठभेड़ भी हो रहा है, मगर निर्दोष लोगों की भी हत्या हो रही है और सरगुजा में पूरे जंगल काटे जा रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस भी जो है सड़कों में आकर नहीं कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसका जन्म अंग्रेजों के समय जेल जाने से 12-12, 15-15 साल इनके नेताओं ने जेल में बिताया, सजा पाया और उनकी हत्याएं हुई, शहीद हुए, तब जाके कांग्रेस का जन्म हुआ। मगर आज वो कांग्रेस विज्ञप्ति जारी करके विपक्ष का विरोध कर रही है। आज यही कांग्रेस जो बलरामपुर के हवालत में हुई मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, इस कांग्रेस से पूछने के लिए भी हमारे पत्रकार साथी आज यहाँ मौजूद नहीं है कि आपने जो पिछली पांच साल की सरकार चलाई, उसमें भी शुरुआत में ही एक पंकज वेग की हत्या हुई थी थाने के भीतर, वो हत्या हुआ कि आत्महत्या हुआ, आज तक आपने उनके दोषियों को तलाश नहीं कर पाए, आपकी सरकार चलेगी तो आपको क्या हक बनता है इस सरकार पे आरोप लगाने का। और इस सरकार को भी, और चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम सरकारें उन कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई है, ये बताता है यहाँ का मीडिया का चरित्र। पत्रकारों को खरीदने की कोशिश हो रही है,
और जो पत्रकार ईमानदारी से बस्तर जैसे जगह में या सरगुजा जैसे जगह में ईमानदारी से पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं उनको वहां अंदर घुसने से रोका जा रहे हैं। आपने ये खबरें भी नहीं सुनी होगी क्योंकि मीडिया अब तक पहुंच नहीं पा रही। साथियों, हमारे पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जगह जगह खून बह रहा है, बस्तर में खून बह रहा है, माओवादी मारे जा रहे हैं, माओवादियों के बहाने में आदिवासियों की भी हत्या हो रही है, सरगुजा में पेड़ काटे जा रहे हैं, सरगुजा में जिन पेड़ों को काटा जा रहा है लाखों की संख्या में, उस पेड़ को बचाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपके बच्चों को, आपके पीढ़ी को बचाने के लिए, जिनको आगे चल के सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उनको भी मारा जा रहा है, उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है, उनके ऊपर भी खून भर है। सूरजपुर में एक सिपाही के पूरे परिवार को मार डाला जाता है, बलरामपुर में हवालत के अंदर हत्या या आत्महत्या हो जाती है, पूरे प्रदेश की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में एक तरफ तो सत्ता जो है सुख भोगने में लगी है और विपक्ष लेन देन में व्यस्त है, जिसको लड़ाई करना चाहिए वो सड़कों में नहीं दिख रही है, जेलों में नहीं दिख रही है, डंडे खाते नहीं दिख रही है। और इन सारी घटनाओं को आपके पास लाने का काम जो करते हैं वो मीडिया है, उसे आप मीडिया कहते हैं और आप ही कहते हैं, आप लोग सब बोलते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। साथियों, लोकतंत्र देश में तब तक नहीं आ सकता जब तक मीडिया लोकतांत्रिक नहीं होगी। और आज जिस मीडिया के बारे में मैं आज यहां बैठा हूं वो बताने के लिए, उन खबर वालों की खबर आपके सामने ला रहा हूं, ये भूमकाल समाचार के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं भूमकाल समाचार। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो अत्याचार मचा है और पूरे प्रदेश में जो जगह जगह अन्याय हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस भरोसे से आपने सरकार को बिठाया था, चाहे पिछली सरकार को हो, चाहे इस सरकार को हो, इसके पहले की जितनी भी सरकारें, आप जब सरकार बैठने के बाद जब आपका भरोसा टूटता है, आप आंदोलन में आते हैं, तो ये खबरें दिखाने का काम भी मीडिया का होता है। मगर आज ऐसे समय में जब हमको मीडिया की जरूरत है, तो मैं आपके सामने खबर लेके आया हूँ कि हमारे वो जो बड़े मीडिया के साथी हैं, जो प्रदेश में आपको खबरें दिखाते हैं, जिनकी ताकत है, जिनके ज्यादा मात्रा में आप जिनको पढ़ते हैं, ज्यादा मात्रा में जिन टीवी चैनलों को देखते हैं, ऐसे ऐसे चैनलों के मालिक, उसके पत्रकार, उसके संपादक, ऐसे ऐसे अखबारों के संपादक, उसके पत्रकार, ये अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के आह्वान पर, उनके निमंत्रण पर बसों में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर पूरे देश का भ्रमण करने में लगे हैं। उन्हें 5-स्टार होटल में रुकाया जा रहा है, उनका 5-स्टार ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं, इसलिए अब तक सच घटनाएं नहीं पहुंच पा रही है। ये सच घटनाएं पहुंचने वाले पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, जिनकी छोटी छोटी दुनिया है, जिनके छोटे छोटे संपर्क हैं, मगर हिम्मत के साथ वो बस्तर में भी जाने की कोशिश करते हैं और सरगुजा में भी वो लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपके तक सही खबरें पहुंच सके। मगर आप सुन चुके हैं कि सरगुजा में जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई चल रही है, जहां पेड़ों की कटाई रोकने का आंदोलन चल रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर डंडे चलाए जा रहे हैं, खून बहाया जा रहे हैं, वो बात भी आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। बस्तर में हवाई हमले हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से बम गिराए जा रहे हैं और सेना का प्रयोग किया जा रहा है उन माओवादियों को मारने के लिए जो देश के विकास में दुश्मन बताए जा रहे हैं, मगर उनके बहाने आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और निर्दोष आदिवासी भी मारे जा रहे हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर जब विपक्ष पे आपका भरोसा है, तो विपक्ष भी सड़कों पे नहीं दिख रही है, वो विज्ञप्ति जारी करती है और आपको बताती है ये निंदनीय घटना है। विपक्ष कौन है? अभी कांग्रेस है। कांग्रेस कौन है? जो आंदोलन से उपजी है, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, जिसके नेताओं ने जान दिया, जिसके नेताओं ने जेल में समय बिताया, तब जाके कांग्रेस उभरी। आज वो कांग्रेस भी मौजूदा जो सरकार है भाजपा की, उससे उन मुद्दों में केवल बयानबाजी करके लड़ रही है। इन सारे चीजों को दिखाने के लिए जो मीडिया का काम है, मैं उन मीडिया वालों की तरफ से शर्मिंदा हूं और आपके सामने ये बात रखने के लिए मजबूर हूं कि हमारे बहुत सारे जो वो पत्रकार साथी, जिनकी जो जवाबदारी बनती थी कि आपके तक वो बात पहुंचाए, वो आपके तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति पूरे देश में है। आप समझिए, जिस मीडिया को आप चौथा स्तंभ कहते हैं, वो चौथा स्तंभ नहीं रह गया है, वो जो है केवल अडानी का,
उद्योग घरानों का केवल एक कठपुतली बन के रह गया है। ऐसी स्थिति में आपको सचेत रहना होगा और सच समाचार सुनने के लिए आपको छोटे छोटे अखबारों को, छोटे छोटे मीडिया को भी महत्व देना पड़ेगा और उनको भी उजाड़ने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। इन चीजों के प्रति विरोध में भी आपको उन पत्रकारों के साथ, उन सच्चे पत्रकारों के साथ खड़ा होना होगा। धन्यवाद। मैं भूमिका समाचार से कमल शुक्ला और आपसे अनुरोध करता हूँ कि सच्ची खबरें देखने के लिए, जन सरोकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए भूमिका समाचार देखते रहिए। धन्यवाद।